हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड जय माता दी आप सभी को। तो ये वैष्णो देवी वाली वीडियो मैंने बहुत टाइम के बाद फिर से बनाई है, जस्ट बिकॉज कि मेरे पास इतने सारे क्वेश्चंस थे, क्योंकि मैंने जो वैष्णो देवी वाली वीडियो डाली थी ना, उसमें बहुत सारे लोगों के अलग अलग क्वेरीज आए थे, तो मैंने सोचा उस पर एक वीडियो बनाती हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें आप लोगों को बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो वीडियो एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को मैं बताऊंगी कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी, मैं कैसे वहाँ पहुँची थी, मैंने कौन सा होटल लिया था, फिर हमने चढ़ाई कैसे स्टार्ट करी थी, वहाँ का लोकल मार्केट कैसा है, वहाँ पे दर्शन करने के लिए कितनी लंबी लाइन लगती है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊँगी। स्पेशली वो चीज़ें भी यहाँ पर बताऊँगी कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो मतलब ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको जाने का मन तो होता है पर वो जा नहीं पाते हैं, तो ये सोचते हैं कि हम वैष्णो देवी के दर्शन कर पाएंगे कि नहीं, तो उनके लिए वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। सो दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक ये है कि हम यहाँ से अपनी यात्रा कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे जाएँगे जम्मू कटरा। तो वो चीज़ें मैं आप लोग को पहले दिखाऊँगी कि मैं कैसे यहाँ से गई थी, कैसे किस ट्रेन से गई थी, कितना खर्चा पड़ा था, कितने टाइम में पहुंची थी, वो सारी चीज़ें मैं अभी बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा यही है कि हमने अपनी यात्रा कैसे स्टार्ट करी थी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते मैं आप लोग को बताती हूँ। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से ट्रेन से गए थे और दिल्ली से कटरा जम्मू जाने के लिए बहुत सारी ऐसी ट्रेनें हैं, पहले लोग जम्मू जाते थे फिर जम्मू से कटरा के लिए बस करते थे। तो अभी ऐसी ट्रेनें बन चुकी हैं जो आप बहुत ही शॉर्ट टाइम में वहाँ पर पहुँचा देती हैं और आप इजीली यहाँ से बैठ के सीधे कटरा पहुँचते हैं और आपको इधर उधर कहीं भी घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है वंदे भारत। तो जो आपने सुना ही होगा कि ये 6 घंटे मैक्सिमम लेती है और आपको दिल्ली से कटरा पहुँचा देती है। तो ये सुबह 6 बजे चलती है और सीधे कटरा पहुँचा देती है ये। तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बहुत कम टाइम लगता है जाने में, तो आपका टाइम बच जाता है और आप इजीली पहुंच जाते हैं। और ये ट्रेन इतनी खूबसूरत है ना, स्टेशन भी कटरा का बहुत ही खूबसूरत है। तो आप देख सकते हैं हमने अपनी यात्रा स्टार्ट करी थी दिल्ली से और 6 बजे हमने स्टार्ट करी थी, तो यहाँ पे हम पहुंच गए हैं। और यहाँ पे जब हम पहुँचते हैं ना, तो जब ये स्टेशन पे ही पहुँचेंगे तभी हमको बहुत सारी सी चेकिंग का सामना करना पड़ता है, जहाँ पे चेकिंग होती है कि आप कोविड नेगेटिव है ना, कोविड पॉजिटिव तो नहीं है, और या फिर अगर आपके पास RT-PCR की रिपोर्ट है तो वो भी आपको दिखानी होती है। तो ये सारी चीज़ें यहीं पे हो जाती हैं, जस्ट एक फॉर्मेलिटी पर्पज़ से होती हैं। तो अगर आपने अपना कोविड दोनों का वैक्सीनेशन करा रखा है, पहला डोज दूसरा डोज, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप वो रिपोर्ट दिखा सकते हैं। और अगर आपने नहीं कराई है तो फिर आपको RT-PCR दिखानी होती है, जो कि अभी तो सबने कराई रखी होगी, लेकिन यहाँ पे ये रूल होता है, तो आप अपनी रिपोर्ट लेके जाएंगे। नहीं तो अगर आप लेके नहीं भी जाते, भूल जाते, तो फिर वहाँ पे आपका एक टेस्ट होता है, तो उसमें थोड़ा लंबा टाइम चला जाता है। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि अपना रिपोर्ट वगैरह सब कुछ साथ में लेके जाएँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग भी पहुँचे थे और हमने अपना रिपोर्ट वगैरह दिखा दिया यहाँ पर। सो ये तो बात हो गई कि हम वहाँ पर कैसे पहुँचे, कितना टाइम लगेगा, लेकिन अब बात करते हैं कितना खर्चा लगेगा। तो ये जो वंदे भारत है थोड़ा सा महंगा तो पड़ जाता है, लेकिन ठीक है, अगर आपको 1200-1300 पड़ता है, पहले से टिकट कराते हो तो 1200-1300 पर हेड पड़ेगा, और उसमें आपको अगर 6 घंटे में आप पहुँच जाते हो तो इतना बुरा भी नहीं है। तो दोस्तों, अभी दूसरा टॉपिक हमारा ये होता है कि वैष्णो देवी जाने के बाद हम कहाँ ठहरे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं जहाँ पे रुकी थी उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बता दूँगी। तो सबसे पहले अगर आप कटरा पहुँचते हैं तो कटरा बस स्टेशन के पास बहुत सारे होटल आपको मिल जाएंगे। आप जैसे उतरोगे वहाँ पर इतने सारे एजेंट होते हैं ना, जो आपके आगे पीछे डोलते रहेंगे कि भैया आप यहाँ पर होटल ले लो, यहाँ पर होटल ले लो, ये होटल अच्छा है, वो होटल अच्छा है। लेकिन आप सब कुछ एक बार चेक कर लेना कि कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन सी चीज़ नहीं है उसमें अच्छी। यूजली तो वहाँ के सारे होटल ही अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई होटल मतलब बहुत ख़राब हो, सारे होटल अच्छे होते हैं। लेकिन आप अपनी सुविधा के हिसाब से 2-4 होटल चेक कर लेना और उसके बाद आप कोई भी होटल उसमें सेलेक्ट कर लेना। तो हमने यहाँ पर एक होटल लिया था जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत क्वेश्चन किए थे कि कौन सा होटल, होटल का नाम बता दो। तो मैं आप लोग को होटल का नाम बताती हूँ। होटल का नाम था होटल कंचन
और एकदम जस्ट पास में पड़ेगा बस स्टेशन के। तो ये यहाँ बहुत रिजनेबल प्राइस था और हमारा 2 दिन का 2600 समथिंग बड़ा था। लेकिन आपको वहाँ पे बजट होटल भी बहुत सारे मिल जाएंगे और कई सारी धर्मशालाएँ ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको 200-200 में भी अच्छे अच्छे रूम मिल जाते हैं, क्योंकि यूजली वहाँ पे गर्मी थोड़ी कम होती है। अगर आप बहुत गर्मी के टाइम में जाते हो ना तो एसी रूम की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ नॉर्मल रूम भी आपके काम आ जाते हैं क्योंकि वहाँ ठंडा मौसम रहता ही है। तो आप डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम में जा रहे हैं, तो उसी अकॉर्डिंग आप अपना होटल देखेंगे। तो देख सकते हैं यही होटल है जो हम लोग रुके थे, इसके बारे में आप लोगों ने बहुत क्वेश्चन करे थे और इसकी लिंक भी मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप पूरा देख लेना ये होटल कैसा था क्या था, वहाँ पर सब कुछ मैं डिटेल में दिखाया हुआ है। बट एक आप लोगों की क्वेरीज थी तो मैंने सोचा इस क्वेरीज को यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ और आप लोग को होटल का नाम बता देती हूँ कि कौन सा होटल हमने लिया था। सो दोस्तों, अभी तीसरा टॉपिक ये आता है कि यात्रा कहाँ से शुरू होती है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये रहता है कहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है, कहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है। तो आप देख सकती है बाढ़ गंगा, और यही वो पॉइंट है जहाँ से हम यात्रा स्टार्ट करते हैं और यहीं से आपको सारी मतलब चेकिंग वगैरह को क्रॉस करने के बाद ही आपको एंट्री मिलती है जहाँ से आप अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम पहले यहाँ पहुँचते हैं तो हमें यहाँ पे एक अपना पर्ची दिखानी होती है जिसको पर्ची कटवाना बोलते हैं। तो अभी तो बहुत सारी सुविधाएं हो चुकी है, आप ऑनलाइन भी पर्ची कटवा के जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ऑनलाइन कटाई हुई थी, तो वो हमने यहाँ पे फ़ोन से अपना दिखा दिया, और नहीं अगर आपने कटवाई है तो यहीं पर आपको पर्ची कटवानी होती है। इसके बाद स्टार्ट होती है ये यात्रा, और ये जो आप देख सकते हैं ये हम ऑफ सीज़न में गए हैं इसलिए इतना खाली है, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ होती है। तो यहाँ पे आपको 2 रास्ते मिलेंगे, एक लेडीज़ के लिए एक जेंट्स के लिए, दोनों क्रॉस करने के बाद से, क्योंकि वो चेकिंग पॉइंट होता है ना, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ चेक हो जाती हैं कि आप कुछ ऐसी चीज़ें तो लेके नहीं जा रहे हो ना, क्योंकि हर जगह सिक्योरिटी सोचनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी सिक्योरिटी पास होने के बाद से, क्योंकि कुछ ऐसा चेकिंग नहीं होती, बट नॉर्मली आप किसी भी जगह जाते हो ना तो आपको एक छोटा सा चेकिंग पॉइंट तो होता ही होता है। नॉर्मल मॉल में भी जाते हो ना तो भी एक चेकिंग तो कराते ही हो, तो सेम ऐसा यहाँ भी है। ये तो मंदिर है तो यहाँ तो सोचना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर चेकिंग हो गई और इसके बाद से असली चढ़ाई स्टार्ट होती है यहाँ से। तो यहाँ से आपको मिलते हैं आपकी सुविधा के अनुसार सारी चीज़ें। तो आप चाहे तो पैदल भी चढ़ सकते हैं, चाहे तो घोड़े से भी चढ़ सकते हैं, चाहे तो पालकी से भी चढ़ सकते हैं, और चाहे तो अगर साथ में बच्चे हैं तो बच्चों के लिए यहाँ पे प्रैम मिले हुए हैं, तो प्रैम में भी आप बच्चों को बैठा के ले जा सकते हैं। और इनकी कॉस्ट होती है 2000 से 2200 समथिंग होती है, वो इनकी एक चार्ज होती है, क्योंकि ये क्या करते हैं पहले एक इनके साथ एक कोई ना कोई एक आदमी होता है जो आपके बच्चे को बैठा के चलाएगा, और उसकी कॉस्ट थोड़ी सी महंगी पड़ जाती है। और एक पॉइंट क्या होता है ना कि आप खुद प्रैम लेके 2200 इनको पे करके आप बच्चे को लेके जाइए, फिर वापस में जब आप आएंगे तो कुछ पैसे इन्हें जो इनका होता है इनको दे के बाकी ये पैसे आपको रिफंड कर देते हैं। तो ये तो हो गई बच्चों की बातें, अभी बड़ों के लिए भी बहुत सारी यहाँ पे सुविधाएं हो गई हैं। तो अगर आप घोड़े से कंफर्टेबल हो तो घोड़े से भी जा सकते हो, पालकी में बैठ के जाना चाहो तो पालकी तो अच्छी नहीं लगती है, जो ओल्ड एज लोग होते हैं या जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उनके लिए सही लगता है, हर कोई ऐसे पालकी बैठ के नहीं जाना चाहिए। मेरा मानना ऐसा है क्योंकि अब अपनी अपनी चॉइस है, अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, क्योंकि सुविधाएँ हैं तो आपको अगर जाना है तो आप जा सकते हैं। और उसके बाद वहाँ पे आपको बैटरी कार भी मिल जाएगी जहाँ से आपको, लेकिन वो आपको मिलेगी ना थोड़ा सा दूर चलने के बाद से मिलेगी आपको, ऐसा नहीं है कि अभी मिल जाएगी, थोड़ा आपको चलना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताऊँगी कहाँ से आपको मिलेगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो उससे क्या होता है कि वो आपको मतलब थोड़ा ये होता है कि आपकी चढ़ाई में थोड़ा सा आपको कम्फर्टेबल एक फ़ील करा देगा, और कुछ नहीं, वहाँ पर भी आपको लाइन लगानी पड़ेगी, वहाँ भी आपको टिकट कराना ही पड़ेगा। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, और जो लोग नहीं चल पाते हैं उनके लिए सुविधा इतनी सारी हो गई है ना कि अभी ऐसा नहीं है कि हम नहीं चल पाएंगे ये वाला सीन हो। तो हेलीकॉप्टर वगैरह भी है, बैटरी कार है, घोड़े हैं, ये है वो है, मतलब दुनिया भर की चीज़ें यहाँ पे बन गई हैं। और ये देख सकते हैं ये है वो पॉइंट, यहाँ से एक रास्ता इधर चला जाता है राइट साइड में, एक लेफ़्ट में जाता है। तो ये लेफ़्ट में जो रास्ता जाता है ना, इधर से हम पैदल के रास्ते जाते हैं, तो पैदल के लिए ये रास्ता बहुत सही रहता है, घोड़े से हमें जाना नहीं होता है। लेकिन ये जो आप देख सकते हैं यहीं से आपको मिलेगा बैटरी कार, और जिसकी प्राइस होती है समथिंग 350 समथिंग होती है। तो अगर आप चाहें वेट करना चाहें यहाँ पे, मतलब इसकी भी पर्ची होती है कि आपको लाइन लग के अपने टोकन नंबर लेना होता है, तो जिसका नंबर जिस गाड़ी में होता है तो वो बैठ के उसमें चला जाता है, तो वो भवन से 2-4 किलोमीटर दूर ही छोड़ेगा।
तो ये देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें बैठ के जा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा अपने पैरों को आराम देना है तो आप इसमें बैठ के जा सकते हैं, लेकिन हम लोग पैदल जा रहे हैं तो हमने ही वहाँ बिल्कुल देखा ही नहीं। और उसके बाद हम आ गए हैं यहाँ पे भोजनालय में। तो ये ऐसी जगह है ना जहाँ पे आपको बहुत ही सस्ते रेट पे खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं और आपको पेट भर के खाना यहाँ पे आप खा सकते हैं। वैसे तो हर जगह आपको बहुत सस्ती रेंज में आपको मिल जाती है खाने को, लेकिन आप यहाँ की कॉस्ट देखेंगे ना तो बहुत ही सस्ता था ये, तो बहुत ज़्यादा सस्ता था और सही था ये। पर यहाँ पे आपको सेल्फ सर्विस है, तो आपको कोई भी चीज़ आपको लेनी है तो आपको काउंटर पे जाना है, वहीं से वो लोग आपको दे देंगे, फिर आपको अपने टेबल पे ला के फिर खाना है। तो हमने बस थोड़ा सा यहाँ से खाया था बड़ा वगैरह, तो 10 रुपये की चाय तो बहुत अच्छी है, चाय भी वहाँ की बहुत अच्छी थी। उसके बाद हमने यहाँ पर अपना पेट पूजा थोड़ा किया, उसके बाद चढ़ाई करके हम यहाँ पर दर्शन करने के लिए माता रानी के दरबार में पहुँच गए। तो यहाँ पर आते हैं ना, तो यहाँ पर आने के बाद से सबसे बड़ा टास्क हमारा ये हो जाता है कि हम लॉकर कहाँ से लें। तो लॉकर वाला भी टॉपिक कवर करना है, तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। सो अभी बहुत सारे लोगों का सेम क्वेश्चन आया था कि हमें लॉकर कहाँ से मिलेगी। वीडियो मैंने बना रखी है, सारी वीडियो की प्लेलिस्ट मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और सिंगल सिंगल वीडियोस की भी वो लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप चाहें तो एक एक चीज़ डिटेल वीडियोज़ देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं इसको कवर करके बता देती हूँ कि वहाँ पर लॉकर कहाँ से मिलेगी। तो चलिए आप लोग को ले कर चलती हूँ। तो यहाँ पे कई जगह लिखा रहेगा यहाँ पे लॉकर मिलेगी, यहाँ लॉकर नंबर ये, लॉकर नंबर वो, ऐसे करके लिखा रहेगा, पर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ मैं जा रही हूँ वहीं पे आप चलिए, वहाँ पे आपको बहुत इजी तरीके से लॉकर मिल जाएगा। बस ये होता है कि थोड़ा सा आपको लाइन लगानी पड़ती है, तो लाइन तो हर जगह ही लगती है। अभी दरबार में जाएंगे वहाँ पर लाइन लगेगी ही। तो यहाँ पर हम पहले थोड़ा सा लॉकर लेने से पहले हमने यहाँ पे थोड़ा सा ये देख रहे थे कि भैरव बाबा के लिए जो नया ट्रॉली वाला सिस्टम बना है वो कैसे जाता है। तो ट्रॉली भी बन गई है, रोपवे जिसको बोलते हैं, जहाँ पे आप बैठ के जा सकते हैं भैरव बाबा तक। तो उसका भी आपको 100 रुपये देने पड़ते हैं भैरव बाबा के लिए, मतलब वैष्णो देवी से स्टार्ट होता है भैरव बाबा के लिए। तो ये वो जगह है जहाँ पर आपको आना है लॉकर लेने के लिए। और तो फाइनली लॉकर के पास हम आ चुके हैं। तो ये लॉकर आपको किसी भी पूजा वाली जो सामान मिलती है ना वहाँ पे, जैसे उसके आसपास में ही आपको मिलेगा ये लॉकर का। वहाँ पे लिखा रहता है लॉकर नंबर ये, लॉकर नंबर ये, तो उनकी गेट बनी होती है। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और देख सकते हैं, आपने देख ही लिया वीडियोज़ में। तो ये वो जगह है यहाँ पर आपको लॉकर ईज़िली मिल जाता है, तो यहाँ पर लाइन लगानी पड़ती है थोड़ी। तो देख सकते हैं लाइन लगाने के बाद से हर किसी का अपना एक नंबर आता है। तो जब नंबर आपका आता है तो आपको अंदर एंट्री दी जाती है, और वहाँ पर बहुत सारे से बॉक्स बने होते हैं लॉकर के। तो वहाँ पे एक छोटे छोटे से बॉक्स रहते हैं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारा सामान लेके गए उसमें रख दिया, बस छोटा सा एक बैग रख सकते हैं, जो आप पिट्ठू बैग होता है ना वो आप ले जाके उसमें रख सकते हैं। तो ये लॉकर देख सकते हैं, यहाँ पे एक गेटमैन यहाँ पे खड़ा रहता है, वो आपको सारी चीज़ें बताता रहेगा। ऐसा नहीं कि हर बंदा अंदर घुस गया, सीरियल वाइज इसमें 2 से 4 लोग ही एक बार में जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो लोग दर्शन करके आते हैं ना वो अपना सामान निकालते हैं, वो खाली हो जाता है, वही चाबी ताला आपको पकड़ा दिया जाता है, फिर वो आपका हो गया लॉकर। फिर आपने अपना सामान रखा, अपना लॉक लगाया और चाबी अपने साथ ले कर चले गए। फिर वापस आप आएँगे तो अपनी चाबी से अपना लॉकर खोलेंगे और अपना सामान निकालेंगे, फिर वापस चले जाएँगे। तो बस ऐसा सिस्टम है, ऐसा कुछ बहुत ऐसा सोचने वाली बात नहीं है, यहाँ पे चोरी वोरी का कुछ सीन नहीं है। तो आप अपना सामान आराम से रख सकते हैं, और कोशिश ये करिएगा कि अपने लॉकर में अपना बेल्ट वगैरह भी रख के ही जाइए, क्योंकि बेल्ट वगैरह आपको वहाँ पे अलाउ नहीं होता है। और अगर चप्पल वगैरह आपकी हैं तो यहीं पर रख दीजिए, क्योंकि इस लॉकर में आप आराम से रख सकते हैं। और इसके अंदर कितना स्पेस होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा, जिससे आप अपना सामान कितना लेके कैरी कर रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये है लॉकर, इसके अंदर इतना स्पेस है। अब इसमें आपको क्या रखना है आपको सोचना पड़ेगा। तो इसमें एक पिट्ठू बैग रख सकते हैं, हमने अपना छोटा सा बैग रखा हुआ था वो रख दिया, यहाँ पर बेल्ट निकाल के रख रही हूँ, बाकी चप्पल वगैरह भी साइड में हमने यहीं पर रख दिया है। और इधर बैक साइड से एग्ज़िट करते हुए हम यहाँ से निकल लेंगे। तो बस यही है वो लॉकर का एरिया जहाँ पे इतने सारे लॉकर रखे हुए हैं, और ये सारे के सारे बंद है, इतना ये नहीं है कि खाली है, तो सब बंद थे। तो यहाँ से आप एग्ज़िट करके निकल जाएंगे, और उसके बाद आप प्रसाद वगैरह ख़रीदेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा कैश अपने पास रखना चाहिए, पैसे अपने, मतलब जितना पैसा होता आप अपनी जेब में रखें, बाकी सारा सामान आप अपने लॉकर में ही रख दीजिए। तो यहाँ से हमने पूजा वगैरह कर लिया वैष्णो देवी का, उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे अपनी भैरव बाबा की चढ़ाई। तो भैरव बाबा की चढ़ाई थोड़ी सी मुश्किल होती है, मैं आप लोगों को पहले से बता दूं, क्योंकि ऑलरेडी आप इतना थक चुके होते हैं ना। लेकिन वैष्णो देवी तक तो बिल्कुल पता नहीं चलता है, पर इसके बाद थोड़ा सा पता चलता है, क्योंकि ये थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई होती है। तो यहाँ से आपको अब घोड़ा करना है तो घोड़ा कर सकते हैं, नहीं तो रोपवे का नया सिस्टम आ गया है, रोपवे से जा सकते हैं। वहाँ पर 100 रुपये पर पर्सन पड़ते हैं। तो यहाँ हम पैदल ही जा रहे हैं,
क्योंकि पैदल हमें सही लगता है तो हम चले जाते हैं, 4 घंटे में हमारा आना जाना दोनों हो जाता है। तो देखते हैं, पैदल तो हम दो घंटा जाना, मतलब टोटल हमारा 4 घंटे में हो जाता है वापसी आना जाना। सो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या विकलांग वहाँ पर जा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब असमर्थ होते हैं ऐसे जाने के लिए, तो उनके लिए भी वहाँ पे व्यवस्था ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, आपको आपके लिए पालकी की व्यवस्था है, आपके लिए पिट्ठू का व्यवस्था है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन वो भवन तक ही आपको सुविधा देंगी। भवन के अंदर जो होता है ना, वो बहुत पतली पतली लाइन लगी रहती है, तो उस लाइन में अगर आपका पेशेंट जो है वो आप उसको उठा सकते हैं, गोद में उठा सकते हैं या फिर मतलब कंधे पे उठा सकते हैं, तो वही बंदा जा सकता है। क्योंकि अगर आप जो बहुत हैवी वेट है, जिनके लिए व्हील चेयर वगैरह है, तो उनके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि अगर हल्के वेट में हो, कोई छोटा बच्चा है, कोई मतलब बहुत ही हल्का वेट है जिसका, कोई भी इंसान हो, तो उसको जिसको आप उठा सकते हो वो उसको तो लेके जा सकते हो, लेकिन बहुत हैवी वेट वालों को आप लेके ना ही जाओ तो अच्छा है, क्योंकि आप बाहर तक लेके जाओगे फिर अंदर व्यवस्था नहीं होगी तो बहुत दुख की बात होगी। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बोलूँगी कि ऐसे लोगों के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है वहाँ पर। तो बस इस टॉपिक को हमने यहाँ पर कवर कर दिया है और अब हम भैरव बाबा के दर्शन पर जा रहे हैं। सो दोस्तों, जैसे ही हम भैरव बाबा पहुँचते हैं ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको सरसों का तेल मिलता है, काला कपड़ा मिलता है, धूप अगरबत्ती यही सब मिलता है वहाँ पे चढ़ाने के लिए। तो जैसे ही आप भैरव बाबा के मंदिर के पास पहुँचेंगे, वहीं से आपको सामान मिलना शुरू हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगरबत्ती है, दोनों जने हाथ में बांध लेना, नजर बटू अपने कारोबार या मकान के गेट पे बांधा जाता, इसमें अगरबत्ती वगैरह है ना, अगरबत्ती तेल ही चढ़ना है। जय माता। सो दोस्तों, यहाँ पे हम भैरव बाबा पहुँच चुके हैं। तो जैसे हम वहाँ पहुँचेंगे तो देख सकते हैं कि कितनी सारी शॉप यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे सब पूजा का सामान मिलता है और खाने पीने का सामान मिलता है, और यहाँ पे आपको विश्राम करने के लिए एक जगह बनी हुई है जहाँ पे आप फोटोग्राफी वगैरह भी कर सकते हैं, अपना सामान भी वहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई लॉकर वगैरह व्यवस्था वहाँ पे नहीं है, तो किसी न किसी को वहाँ पे बैठा के आपको ये सब अपना रखवाली करना पड़ेगा। और उसके बाद से आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे पैर धोने के लिए यहाँ पे बना हुआ है, तो पैर धोने के बाद से आप यहाँ पे सीढ़ियों से चढ़ते हुए भैरव बाबा का दर्शन करेंगे। और यहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह अलाउ नहीं है, तो ज़्यादा फोटोग्राफी हमने नहीं करी थी, लेकिन आप जैसे ही वहाँ पे भैरव बाबा के दर्शन कर लेंगे, वहाँ पे बाहर निकलेंगे तो वहाँ पे आपको भभूत वगैरह मिलेगा, तो जिसको धोनी भी बोलते हैं, तो आप अपने लिए थोड़ा सा रख सकते हैं, कभी भी तबीयत ख़राब हो या फिर कभी अच्छा ना लगे ऐसे, तो आप अपने माथे पर लगा सकते हैं, भैरव बाबा की धोनी बहुत सही होती है। तो वहाँ से हमने ले लिया था, और थोड़ी गर्म होती है तो आप अपने पास में कोई कपड़ा, कोई पॉलीथीन रख लेंगे, जिससे कि उसमें आप रख के ला सकते हैं। और ये वो जगह है जहाँ पे आप किसी को विश्राम करने के लिए बैठा सकते हैं, या फिर फोटोग्राफी वगैरह करना है तो कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है ना कि लॉकर सिस्टम नहीं है, तो आप अपना सामान किसी न किसी को भरोसे रख के ही तो जाएंगे अंदर दर्शन करने के लिए। तो अगर 2-3 लोग साथ में हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि मेरे साथ मेरे हस्बैंड थे, तो मैंने पहले दर्शन किया, फिर उनको भेजा दर्शन के लिए। तो ऐसे ही करके दर्शन हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जब थक हार जाते हैं तो थोड़ा सो लेते हैं, रात का टाइम होता है तो। और देख सकते हैं यहाँ का व्यू कितना अच्छा लग रहा है, तो बहुत प्यारा व्यू दिखता है। और जैसे ही हम उतरेंगे भैरव बाबा से नीचे, मतलब कटरा के रास्ते पे, तो भैरव बाबा से उतरते टाइम में ही ये होता है सबसे मेन चीज़, यहाँ पे क्या होता है, पत्थरों के लोग घर बनाते हैं। तो अगर आप ये बिलीव करते हो तो आप भी ट्राई कर सकते हो कि इससे क्या होता है, बहुत लोगों को मानना होता है कि हम पत्थरों का घर बनाएंगे तो हमारा खुद का अपना घर होगा। तो इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर मैं कुछ घर बना रही हूँ अपने लिए, तो पता नहीं मेरा मन मानता है कि हो जाता होगा ऐसा, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि ऐसा होता है, तो मैंने बना लिया था, आप भी चाहो तो ट्राई कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि 2-4 पत्थर उठाया, अपना घर बनाया, हो गया। तो बस अपनी अपनी श्रद्धा होती है, अपनी अपनी मन की बात होती है, तो आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, वरना नहीं करना हो तो मत करिएगा। ये है मेरा विला, तो आप देख सकते हैं विला मैंने ऐसे बनाया है हट स्टाइल में। तो ये मेरा विला है, और ये मेरी बड़ी सी कार है यहाँ पे, और एक बाइक यहाँ पे लगा रखे हैं हम लोग छोटी सी। अपना घर बना रही हूँ, अपना विला, पहले हमने फ्लैट बनाए थे, अब विला चाहिए।
सो दोस्तों आपने देख ही लिया इस वीडियो, मैंने बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोग को बता दिया, जिसमें आप लोगों का बहुत सारा कन्फ्यूज़न था जो मैंने दूर कर दिया है। तो आप देख सकते हैं ये है रोपवे, रोपवे आपको मिलता है भवन से भैरव बाबा के लिए, जो कि 100 रुपये में आपको मिलेगा, लेकिन आपको एक लंबी लाइन लगानी पड़ेगी इसके लिए। तो आप चाहें तो अगर आपके पास टाइम है आप लंबी लाइन लगा सकते हैं, तो आप इस रोपवे में बैठ के आप आ सकते हैं, पैदल नहीं चलना पड़ेगा आपको। और जैसे हम वापस उतरते हैं तभी हम अर्धकुंवारी आते हैं, क्योंकि हम जब भवन जाना होता है तो जाते टाइम कभी नहीं अर्धकुंवारी आते हैं, सिर्फ हम उतरते टाइम अर्धकुंवारी आते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अर्धकुंवारी का कैसा सीन है, तो सारा कुछ मैंने दिखा दिया आप लोगों को। लेकिन बहुत सारे लोगों का एक ही क्वेश्चन था कि आपको कितना टाइम लगता है चढ़ाई करने में या उतरने में, मतलब टोटल टाइम सबका पूछना था। तो मैं आप लोग को बता दूँ, मेरा मिनिमम लगता है 12 घंटे, मतलब हम टारगेट ये लेके चलते हैं 10 से 12 घंटे के अंदर में हमें दर्शन करने के लिए चढ़ाई स्टार्ट करनी है, और दर्शन करना है फिर हम वापस नीचे बाणगंगा तक हमें पहुंच जाना है। तो हमारा 10-12 घंटे का टारगेट रहता है, और मैक्सिमम भी जाता है ना तो 13 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं जाता। उसमें ऐसा भी नहीं होता है कि हम बस नॉनस्टॉप चलते जाते, ऐसा भी नहीं होता है, हम आराम आराम से चलते हैं चाय नाश्ता करते हुए अपना, और पूरा आराम से मतलब इंजॉय करते हुए चलते हैं। उसके बाद हम दर्शन करते हैं फिर वापस आते हैं, तो वही हमारा 12 से 13 घंटे लग जाता है। लेकिन अगर आपको सिर्फ चलते ही रहना है, मतलब थोड़ा थोड़ा रेस्ट करना है, तो आप 10 से 11 घंटे में आप आराम से इस चीज़ को, इस ट्रैक को कवर कर लोगे। तो बस हम वापस उतर आए थे, और आप देख सकते हैं उतरने के बाद सबकी हालत एकदम बुरी हो जाती है, मतलब थकान बहुत होती है, वो पता नहीं चलता है, क्योंकि मन में ऐसे मतलब माता रानी की श्रद्धा ऐसी रहती है, उतना पता नहीं चलता, लेकिन बाद में पता चलता है। और यहाँ पे ढोल नगाड़े वगैरह बजते रहते हैं ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं यहाँ पे डांस वांस करते रहते हैं चलते फिरते, तो थोड़ा सा एक एंजॉय बना रहता है। पैदल चलने का जो मज़ा होता है ना, वो किसी चीज़ में नहीं आता है। तो आप कभी ना कभी अपनी लाइफ में पैदल चलने का मज़ा तो ज़रूर उठाना। तो जैसे ही हम नीचे वापस उतरेंगे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिलता रहेगा, तो आप चाहें तो यहाँ से भी खरीद सकते हैं, और या फिर नीचे अगर कटरा में पहुँचेंगे तो वहाँ से भी खरीद सकते हैं, यहाँ भी थोड़ा सस्ता मिल जाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ना कि आपको खरीद के लेकर ढो के चलना पड़ेगा, तो कई लोग यही सोच के नहीं खरीदते हैं, नीचे कटरा पहुँच के खरीदते हैं। तो बस ऐसे रात का टाइम हो गया था जब हम उतरे थे, तो 9:30 बज गया था हमें उतरने में, और सुबह स्टार्ट किया था हमने 7 बजे करीब में, तो ऐसे ही हमारा 12-14 घंटे लग गए थे, क्योंकि हम बहुत आराम आराम से चले थे इस बार। तो बस ये वीडियो मैंने इसीलिए आप लोगों को बनाई थी, आप लोग की सारी क्वेरी इस वीडियो में मैंने कवर कर दिया, जो जो क्वेश्चंस थे आप लोगों के सब कुछ मैंने इसमें बताने की कोशिश करी है। और भी अगर कुछ आप लोगों के मन में सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी आप सभी का। तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी, और अगर आप लोगों ने कभी भी दर्शन करना है तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि आप लोग एक ही चीज़ें डिटेल मिल जाएगी इस वीडियो में, और अगर आपको पूरी डिटेल वीडियो देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वीडियो के लिंक मैंने डाली हुई है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो बस ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोग को सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आप लोग को पूछना चाहते थे मुझसे, वो सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। और जो भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला होगा, आप प्लीज़ अपना क्वेश्चन ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आप लोगों को सबके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगी। और आप कभी भी किसी भी सीज़न में जा रहे हैं ना, तो ये सारी चीज़ें नॉलेज तो आपको ज़रूर ही काम आएंगी। तो बस ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाती है, और बस अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे मेरे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मैं डेली व्लॉग्स बनाती रहती हूँ तो प्लीज़ मेरे डेली व्लॉग्स भी देखिएगा। और जब भी मैं माता रानी के दर्शन फिर से करने जाऊँगी तो आप लोग को ज़रूर साथ में लेकर चलूँगी, तो आप लोग को बैठे बैठे वहाँ के दर्शन ज़रूर कराऊँगी। तो इस वीडियो के यहीं पर एंड कर देते हैं, तो सभी बोलो जय माता दी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे डेली व्लॉग्स भी देखते रहना। तो यहाँ पे हम बाणगंगा पहुँच चुके हैं, और इसके बाद से हमें मिलेगी ऑटो, ऑटो हमें छोड़ेगी हमारे होटल पे, और होटल पे पहुँचने के बाद से बस 1 घंटे बाद हमारी ट्रेन थी, तो वहाँ से जल्दी जल्दी हमने अपने सामान उठाया और बस अपने मतलब रेलवे स्टेशन निकल गए। तो बहुत सारे लोगों का ये मतलब रूम बहुत पसंद आया था, तो होटल बहुत अच्छा था। वैसे भी होटल में रुकना ही कितना होता है आप लोग को, मतलब जैसे जब जाते हो तो सारा सामान रखते हो और सीधे तैयार होकर दर्शन के लिए निकल लेते हो, तो इतना कुछ सोचना नहीं होता है होटल के लिए, होटल कैसा भी होता है वहाँ पर चल जाता है अच्छा। तो बस इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं, मैं मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय और जय माता दी दोस्तों।